नमस्कार, सिने इफेक्ट के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, क्या आप जानते हैं कि फोटोग्राफी शब्द आया कहाँ से? एक्चुअली ये दोनों शब्द ग्रीक लैंग्वेज के हैं। पहले फोटो अलग था और ग्राफी अलग था। वो एक्चुअली ग्राफी भी नहीं था, वो ग्राफोस था, जिसका मतलब होता है लिखना। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ऐसे दो ग्रीक शब्द मिलकर फोटोग्राफी बने। फोटोग्राफी का इतिहास बहुत पुराना है, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर फिर भी फोटोग्राफी शब्द आया कहाँ से? फोटोग्राफी का नाम जॉन फ्रेडरिक विलियम हर्सल ने विलियम हेनरी टैलबट को सजेस्ट किया था, ये नाम फोटोग्राफी। तब से इसे फोटोग्राफी बोला जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली तस्वीर जिसे जोसेफ नेप्से द्वारा 8 घंटे में शूट किया गया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कैमरा कौन सा था? उसका नाम था ऑब्सक्यूरा। ऑब्सक्यूरा एक पिन होल के प्रिंसिपल पर काम करता है। वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे बॉक्स के आकार का एक बड़ा सा रूम होता है, जिसके अंदर एक छोटा सा पिन होल होता है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके सामने वाली वॉल पे लगती है। ऑब्सक्यूरा में क्या था, इमेज उल्टी होती थी, तो उसके अंदर जो भी एक आर्टिस्ट होता था उसको हाथ से ड्रॉ करता था। ऑब्सक्यूरा में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। काफ़ी टाइम तक रिसर्च होने के बाद ऑब्सक्यूरा में बदलाव किया गया। जो इमेज थी उसे शीशे के जरिए सीधा किया जाने लगा। कैमरा ऑब्सक्यूरा का एक फैक्ट ये भी था कि जितना छोटा पिन होल होता था उतनी शार्प इमेज मिलती थी। उसके बाद 1839 तक इस डुग्रोटाइप एक प्रोसेस बनाया गया फोटोग्राफी के लिए। फिर उसके बाद 1840 में हेनरी फॉक्स द्वारा कैलोटाइप्स नाम का प्रोसेस बनाया, जिससे बहुत सारी एक इमेज से काफ़ी इमेजेस बनाई जा सकती हैं। कैलोटाइप्स के बाद पेपर फिल्म कैमरे का इजाद हुआ, फिर पेपर से नेगेटिव, उसके बाद सेलुलाइट फिल्म का इस्तेमाल होने लगा। ऐसे करते करते बहुत सारी फोटोग्राफी के अंदर इन्वेंशन हुई। हम सब लोग जानते हैं कि कोडक कंपनी को हर कोई आदमी जानता है, बट कोडक कंपनी को एस्टेब्लिश करने वाले जॉर्ज ईस्टमैन थे। दुनिया की सबसे पहली फोटो ह्यूमन फेस की, जो 1840 में शूट की गई थी, वो भी कड़ी धूप के अंदर, और ढेर सारा उनके चेहरे पे पाउडर लगाया गया, और जिसे शूट करने का जो टाइम था वो 10 मिनट था। काफ़ी टाइम तक टेक्नोलॉजी में बदलाव होता गया, बहुत सारे कैमराज के पीछे रिसर्च हुई, फिर TLR कैमरे आए, फिर SLR कैमरा आया, और आज की डेट में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो DSLR। DSLR के बाद मिररलेस कैमरे आ गए। बाकी और ज़्यादा आपको डिटेल चाहिए तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ, सिने इफेक्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।